मेरा पास मॉप लोग चलते रहेंगे स्प्रिंट आता जाएगा बस 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 ठीक है हां इतना ही पर उसकी मॉम ने उसे इतना प्रेशर कर दिया है इससे शादी करने के लिए कि उसने जाके किसी और से शादी कर ली और अब घर आ गया है। ये साउंड आपको फनी कर रहा होगा पर अगर असली घर के अंदर ऐसा कुछ होता है जो हमारे शो में चल रहा है इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ड्रामा अ लॉट ऑफ ड्रामा अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट और हैवी 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 सीन्स फॉर कागजी जो शादी के दस्तावेज जो बने हैं उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को कि ये आजकल जो जिंदगी में सब कुछ फास्ट चाहिए सबको तो मैरिज मतलब जो रीति रिवाज से होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है उसके बारे में बताइए आप बड़े लॉयर भी हैं। हाँ आजकल एक नया कॉन्सेप्ट निकला है मार्केट के अंदर उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। आई एम किडिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं है मार्केट में कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है आप लोग जाके पूछ लेंगे तो हमारे शो के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर अर्जुन अवस्थी ने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया। उसने एक डील करी है एक लड़की के साथ कि आप आपकी सिंदूर की कीमत चुका सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके एक साल तक आप आइए दादी दादी प्लीज ज्वाइन। तो मिश्री ने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी है क्योंकि बोथ पार्टीज ओवर हियर आर गोइंग टू नीड समथिंग फ्रॉम ईच अदर। मिश्री चाहती है कि हम उसके बाबा को बचा लें और अर्जुन चाहता है कि वो उसके फैमिली प्रेशर से बच जाए। तो दोनों लोगों को खुश करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट इस शो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम। मैम कल्पना जी आप बताइए आपने कितना प्रेशर किया कि बेचारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए उतारू हो गए। नहीं मतलब वो तो हमारा सपना है था कि भाई इसकी शादी देखें और इसका सपना था कि ये अन्नु के साथ शादी करे और अन्नू जो है मतलब जब मिलती है तो वो किसी और से शादी कर लेता तो मतलब इट वाज शॉकिंग फॉर अस। मगर हाँ प्रेशर हम लोग कर रहे थे बिकॉज पहले तो अनु नहीं मिल रही थी तो वी थॉट कि किसी और से शादी कर लो मगर कर लो बिकॉज वी थॉट शी इज नेवर गोइंग टू रिटर्न तो इसलिए हम लोग प्रेशर डालते थे कि किसी और से कर लो। फिर अनु आई तो किसी और से शादी कर लिया तो इसने क्यों किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर तो दादी ने डाला है। आई थिंक दादी ने पहले एपिसोड में कहा था कि मुझे बिलीव है कि वो बच्ची आएगी वापस तो लेकिन अब हुआ नहीं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गया तो क्या कहना चाहेंगे दादी? शी लव्स मी ऑब्वियसली तो मुझे ये पता नहीं है ना कि क्या चीज है तो मैं तो इन्हीं को अपनी नातिन मान रही हूँ और ऑब्वियसली नातिन के साथ जो आपके का जो रिश्ता होता है ब्लड रिलेशन तो उसकी वजह से एक अलग ही प्यार होता है ना बेटी के बच्चों से ज्यादा प्यार होता है जी, जी, जी। तो जो असली वाली है उसे तो उसका तो मालूम ही नहीं है कि ये कौन है क्या है जो इससे इन्होंने शादी कर ली है। और सच में हमने सपने देखे थे जब से इस बच्चे को हम लेके आए थे जब से पंडित ने बोला भी था। हाँ और जब से पंडित ने बोला था तभी से एक हो जाता ना कि आपका दिमाग में फिक्स हो जाता है कि नहीं हमें ये करना है ये चुप है ये बच्चा हमारे लिए अच्छा है तो हमने डिसाइड कर लिया था। पर जब हादसा हुआ या बोलिए तो जब हादसा हुआ उसके बाद ये सब हो गया क्योंकि मैं शुरुआत में नहीं थी शो में तो मुझे बहुत इनिशियल स्टेज का इतना ज़्यादा नहीं पता है लेकिन जब मैं आई जब मैंने इस शो में एंट्री की उसके बाद से मुझे ये मालूम पड़ा है कि ये लड़की अनु है हमारी और मैं चाह रही हूँ कि अनु के साथ ये शादी करें और इसलिए भी क्योंकि बचपन में इन दोनों ने डिसाइड किया था बचपन में डिसाइड किया था आप लोगों ने हमने डिसाइड किया था आप दादी वो सब हो गया अब वो आ गए हमने तोड़ दी शादी कर ली गई और अब ड्रामा तो अब मैं इनकी शादी टिकने नहीं दूंगी। ओह माय गॉड ये ड्रामा आपको अनु आप क्या कर रहे हैं आप क्या आपको कैसा लग रहा है शादी कर ली है? मैं तो बहुत रायता फैलाने वाली हूँ अभी तक जो मैंने फैलाया वो बहुत कम था ट्रेलर था एक छोटा सा उससे थोड़ा बहुत पब्लिक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई है और काफी इंजॉय भी कर रही है इस ड्रामे को और अब और रूप और काफ़ी सारे यू नो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे काफ़ी स्पाइस देखने को मिलेगा और तो क्या बहुत रायता फैलाऊंगी आप इंजॉय करोगे बोर नहीं होने वाले हो।
प्रतीक, आपकी ब्रदर की शादी हो रही है और सब ऑलरेडी तैयार हैं, तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप सिचुएशन के बारे में? मैं यही कहूँगा कि हम लोग सबको मज़ा आ रहा है कि मेरे भाई की शादी हो गई है. मज़ा आ रहा है क्योंकि भाभी आ रही है और अभी जितने मेंबर्स थे एक जन और घर में आ गए. सो अभी बताऊंगी तुझे. मैं बेसिकली इसीलिए एक्साइटेड हूँ कि जब इनकी शादी होगी उसी के बाद मेरा नंबर आएगा, राइट? सो है कि नहीं दादी? आई एम अ वेरी बिग प्लानर इन द शो. सो मैं इसीलिए खुश, यू नो, प्लान्स एंड प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब मैं कर रही हूँ. प्रतीक, आपने भी और उसमें ये साथ है मेरे वाले कि आपने कोई ढूंढ ली है? वो तो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता क्योंकि क्योंकि दादी और माँ बैठी है ना. शर्म आ रही है. तो अगर अभी मैं बता दूंगा तो मैं आप लोग सबके सामने मार खाऊंगा. अर्जुन तो मार खा चुका है, आप लोग ने प्रोमो में देखा होगा. थैंक यू. लोग याद नहीं रखते यार, देखिए टीवी का थप्पड़. तो मैं नहीं चाहता कि लाइव मैं आप लोग के सामने मार खाऊं दादी माँ से और अपनी माँ से. आपके सामने तो चमेट लगा. अरे तो ये हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है ऑन सेट, जो हम ऐसे एज अ फैमिली रहते हैं. हम कहीं भी बोलते हैं स्टार्ट हो जाते हैं. कहीं भी बोलते हैं, कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं. अच्छा, आप लोग सेट के ऊपर कितना मतलब शूट के अलावा जो वक्त निकलता है क्या करते हैं आप लोग, बताइए? यहीं बैठते हैं, यहीं पे गॉसिप्स होती है हमारी और यहीं पे टाइम स्पेंड. तो बस मतलब वीडियोस क्यों नहीं बनाए जाते? वीडियोस आजकल रील्स बहुत, वीडियोस इतने तो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे. आपके सामने है, मुझे रिक्वेस्ट कीजिए आपके शो को खूब देखें और टीआरपी खूब बढ़ाएं. गाइस थैंक यू सो सो मच. आई होप आप लोग सब सिंदूर की कीमत देख रहे हैं. ये बस एक छोटा सा टेस्ट था कि हमारी फैमिली के साथ कितना फन होता है. आई होप मंडे टू सैटरडे आप लोग सब ट्यून इन करेंगे टू वॉच सिंदूर की कीमत फॉर अ ग्रेट एंटरटेनिंग एंड ड्रामेटिक शो. प्लीज़ आप सब हमारे शो को देखिए, इतना ही प्यार दीजिए जितना अभी दे रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा दीजिए. और हम लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए. हम लोग सच में घर सिर्फ चार या पाँच घंटे के लिए जाते हैं, वापस सेट पर आ जाते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी आपको टेलीकास्ट दिखाना है, रुकना नहीं है. और हमारी मेहनत आपके लिए है, तो प्लीज़ हमें अपना प्यार कृपया करके इस शो को उतना ही प्यार दीजिए. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मंडे टू सैटरडे ओनली ऑन दंगल रात के 9 बजे, राइट?